उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे के तहत कल यानी 8 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ भी बैठक करेंगे। बैठक में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के DG सत्यनारायण प्रधान भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर में ड्रग्स सहित नशीले पदार्थ को नियंत्रित करने पर चर्चा की जाएगी। गुवाहाटी में 9 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित असम प्रशासनिक महाविद्यालय सभागार में होगी और इस बैठक में बाढ़ को लेकर नीति सहित पूर्वोत्तर में ड्रग्स विरोधी कार्रवाई आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीमा फेंसिंग को लेकर ड्रग्स तस्करी, उग्रवाद जैसे विषयों पर भी प्रमुखता से बातचीत की जाएगी। You know, just web to many agenda has been given by the Honorable Union Home Minister, border fencing, drugs, illegal arms, from the border area, and the insurgency problems, many things will be take place.